नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि माँ दुर्गा जी का पर्व नवरात्रि चल रहा है, आज तीसरा दिन है, तो मैं आपको माता का जगराता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि भक्तजन मनोकामना मानते हैं, कोई भी मनोकामना हो मानते हैं कि माता हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी तो हम माता का जगराता कराएंगे, जिसको चौकी सजाना भी बोलते हैं। तो ये एक उत्सव है और ये पर्व भी है। तो माता का जगराता हम कभी भी करा सकते हैं, किसी भी शुभ मुहूर्त और शुभ महीने में हम करा सकते हैं, जब भी मानता मानते हैं हम। तो मैं आप भक्तजनों को ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप मानता मानिए तो उसमें आप समय सीमा का निर्धारण मत कीजिए। जैसे कि आप बोल दीजिए कि हमारा ये मानता पूरा हो जाएगा माता, तो हम आपका इस समय जागरण कराएंगे, या कि समय अवधि तय मत करिए। ऐसे में क्या होता है कि कई बार परीक्षा हो जाता है, परीक्षा देना पड़ता है। जिस समय हम माने रहते हैं कि हम माघ महीने में या चैत महीने में या बैसाख महीने में कराएंगे ही कराएंगे माता, हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो मैं ऐसे कई भक्तों को देखी हूँ कि वो उस समय कहीं और चले जाते हैं या कोई और ऐसा काम आ जाता है, ऐसा कुछ भी, तो उस समय वो नहीं करा पाते हैं। तो आप मनोकामना तो मानिए, लेकिन आप समय सीमा निर्धारित न कीजिए कि हमको ये समय कि हम इस समय कराएंगे। आप ऐसा मानिए कि माता हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं आपका जगराता कराऊंगी, शुभ अवसर और शुभ समय देख के, ऐसा मानिए। माता का जगराता का ये महत्व तो है कि जैसे कि हम कहावत कहते हैं कि एक पंथ और दो काज, मतलब चलते रास्ते में जैसे हम किसी एक काम के लिए जा रहे हैं, उसी रास्ते में हम कोई दो या तीन काम भी कराते हैं, उसी प्रकार से मैं आपको ये विशेष जानकारी देना चाहती हूँ कि जो भक्तजन, वैसे भक्तजन जानते भी हैं कि जो भक्तजन माता के जगराता का मनोकामना माने हैं, वो नवरात्रि में, दोनों नवरात्रियों में, चैत में और कुवार में भी अगर कराते हैं तो इसमें बहुत ही पुण्य फल बढ़ जाता है और मिलता है। जैसे कि हर पर्व का एक महत्व होता है कि गंगा स्नान इस दिन किया जाए तो ज़्यादा महत्व है, जैसे गंगा माता में कभी भी नहाओ तो ज़्यादा महत्व ही हमेशा महत्व रहता है। तो आप जो भक्तजन हैं अगर मानता है तो आप नवरात्रि में करा लीजिए, और अगर आप नहीं माने हैं तो आपको जानकारी मैं देती हूँ कि आप जिसे कोई भी मनोकामना है आप मान लीजिए, जैसे अपने पुत्र का नौकरी है, विवाह है, या कोई भी अस्वस्थ है वो स्वस्थ हो जाए, या कोई भी ऐसी अज्ञात बीमारी लगी हुई है जो कि डॉक्टर भी या और कोई अन्य भी नहीं जान सकता कि कौन सी बीमारी है, कोई मानसिक तनाव है, ऐसे तमाम हम इस लोक में जीते हैं, तमाम व्याधाओं से गुजरते रहते हैं जिनको हमके समझ में नहीं आता है। तो आप इस समय माता के जो पंडाल लगे हुए हैं या जो अपने घर में घट स्थापना किए हैं, आप वहाँ आराम से नहा के और कुशासन या कोई भी लाल ऊनी आसन या पीला आसन पर आप बैठ जाइए, शुद्धता से आचमनी वगैरह कर लीजिए, और आप अपने संकट के निवारण या शुभ कामनाओं को पूरा करने के लिए माता से हाथ जोड़ के, अच्छा तो चावल लेकर हाथ जोड़ लीजिए और माता से बोलिए कलश को छू के, हे कलश जी, इस हमारी प्रार्थना को माता तक पहुंचाओ, और हमारी मनोकामना जब पूरी हो जाएगी तो मैं माता का जगराता कराऊंगी या कराऊंगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ नवरात्रि पर्व चल रहा है, तो जैसे मैं कन्याओं को भोजन कराने के बारे में बताई हूँ कि आप नवरात्रि में किसी भी दिन करा सकते हैं, जैसे कि अष्टमी के दिन मानता है या सप्तमी या पंचमी, तो क्या है कि बच्चियां एक जगह खा लेती हैं तो दूसरे जगह उनको खाने में थोड़ा दिक्कत होती है, जो खिलाते हैं उनको भी ये लगता है कि बच्चियां नहीं खाई हैं। तो आप किसी भी दिन नवरात्रि में 9 दिन कभी भी बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये जो मैं माता का जगराता के बारे में आपको बता रही हूँ, तो मैं बताना चाहती हूँ कि माता का जगराता, जैसे आप कोई माता का जगराता किसी और भी महीने में कराओगे तो आपको पूर्णतः पूरी तैयारी करना पड़ेगा, और अभी आप जैसे कराओगे तो आपका कलश स्थापना पहले से है, माँ बैठी हैं आपके घर में और पूजा आरती चल रहा है, तो आप इसी के बीच में, जैसे आज तीसरा दिन है तो चौथे, पांचवें, सातवें, इस बार की नवरात्रि 10 दिन की है, जगराता का जैसे कि आप मानता नहीं भी माने हैं फिर भी थोड़ा सा आपको लगेगा, आस पड़ोस में जैसे हम बुलाते हैं कि हम आज माता का जगराता रखे हैं तो आप हमारे यहाँ आइए, तो जैसे कि बहने हैं, कन्याएं हैं, तो आएंगी वो, आपको अपने आसपास में रिश्तेदार हैं, जैसे दूर हैं तो नहीं आ सकते भाई, सबके यहाँ अपनी पूजा है, तो आसपास में जैसे रिश्तेदार हैं तो एक दो जन उसमें भी आ सकते हैं। तो आप ऐसा करिए, सब पूरा व्यवस्था आपका पहले से है, आप मतलब 8-9 बजे के बाद
माता के जो जहाँ स्थापना करे हैं वहाँ विधिवत सबको आसन दीजिए और ढोल मंजीरा जो भी होता है संगीत के यंत्र उनको आप अपने पास रखिए। और जितनी माताएं बहने हैं उनको यश गान तो आता ही है, माता दुर्गा जी का यश गान। और जो बच्चियां हैं जैसे डांडिया का आप कार्यक्रम कर सकते हैं उसी समय, अगर जगह जहां माँ को बैठाए हैं जगह की कमी है तो आंगन में भी कर सकते हैं, लेकिन जहां माता बैठी हैं अगर वहीं पर ये सब कार्यक्रम हो तो ज़्यादा शुभ होता है और माता को ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो आप 9 बजे से लेकर सुबह सूर्य उगने तक ये कार्यक्रम चलता है, यानी उत्सव मनाया जाता है जागरण का। जैसे हम हर पर्वों में जागरण का बहुत महत्व है, जैसे हम हरतालिका व्रत कथा पढ़ते हैं उसमें भी हम जागरण का महत्व बताते हैं कि रात भर जगना चाहिए यानी कि सूर्य उगने तक। ऐसे महाशिवरात्रि, होली में भी, दीपावली में भी जागरण का बहुत महत्व है। उसी प्रकार से एक दिन, 9 दिन में एक दिन माता का जागरण जो करते हैं इनको अति फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है इसका। जैसे हम 9 दिन का व्रत न भी करें या नहीं कर पा रहे हैं तो न करें। जो श्रद्धालु जन स्वस्थ हैं और काम में जो उनका कार्य क्षेत्र है, जैसे भाई लोग ड्यूटी जाते हैं या माताएं ड्यूटी जाती नौकरी पर जाती हैं या घर में जो काम करते हैं उसमें व्याधा न पड़े, पूर्णतः प्रसन्नता से माता का व्रत करिए। कि ऐसा मत कहे कि व्रत है तो हम ये नहीं, आप और दुगना उत्साह से और काम करिए तो जो आप घर वाले हैं या आपके ऑफिस वाले हैं इनको ये लगेगा कि हाँ आपको माता ने बहुत शक्ति दी है, आप व्रत रहने के बाद भी इतना कर रहे हो। आप अपने मन को मुख को मलिन करके माता का व्रत मत करिए। तो मैं आपको जागरण के बारे में बता रही हूँ। तो आप जैसे कि जो आपके यहाँ आएंगे जागरण करने या आप खुद परिवार वाले हैं, परदेश में नहीं है परिवार वाले हैं, तो तमाम आज भी कम से कम हमारे घर में तो ऐसा ही है कि 200-300 लोग ऐसे हैं कि मतलब परिवार में ही हैं, उनको आसपास बुला लेते हैं तुम्हारा सब कार्यक्रम हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आपके यहाँ भी हो तो उनको बुलाइए और उनको जैसे चाय है, चाय ऐसा मतलब पेय पदार्थ है कि उसको पीने से थोड़ा निद्रा कम आती है तो लोग उसको पी के जाग लेते हैं। मिष्ठान भी है तो इसमें खाने पीने का कोई व्यवधान नहीं है। सात्विक भोजन जैसे चाय ही भोजन रात्रि को नहीं करते हैं, तो आप उनको पिला दिए, मीठा पान खिला दिए और उत्सव से हंसी और उसमें ठिठोली कुछ भी कर सकते हैं, नाच गाना माता का यश गान। आपको मैं एक पंथ दो काज वाला बता रही हूँ काम की, आपको विशेष नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे पहले से मान्यता माने हैं, जो भक्तजन इसको जानते हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन जो माताएं बहनें या भाई जन नहीं जानते हैं मैं उनके लिए विशेष जानकारी दे रही हूँ। आपका कोई भी कार्य रुका हुआ है, बेटी बेटे का विवाह, परीक्षा, नौकरी में, इंटरव्यू में, जो भी है आप मान लीजिए, माता के ऊपर श्रद्धा रख के आप मान लीजिए। और आप समय सीमा जैसे बताई हूँ आपको कि आप निर्धारण मत करिए। उसमें क्या है कि आपको ये होता है कि नहीं मैं इसी समय माना हूँ या मानी हूँ तो हमको कराना ही है, ऐसा नहीं। आप माता से हाथ जोड़ के कहिए माता आप हमारा ये काम करिए, शुभ अवसर और शुभ समय देख के मैं आपको जगराता कराऊंगी या कराऊंगा। माता का जब हम जैसे किसी इस पर्व को छोड़ के जैसे हम अलग से करा रहे हैं तो उसमें आपको पूर्णतः तैयारी करना पड़ता है, जैसे बाकी हम रामायण वगैरह भागवत या देवी भागवत कराते हैं वैसे कराना पड़ता है। एक दिन की बात है तो माँ की मूर्ति या दिव्य फोटो लगाते हैं, माँ को चुंदरी लहंगा अर्पण करते हैं, विधिवत उसी प्रकार से पूजा करते हैं जैसे नवरात्रि में पंडालों में होता है। और हम कलश स्थापना जैसे आपको हर पर्वों में बताती हूँ कलश स्थापना का महत्व, दशहरा में भी बताई हूँ कि राम जी जब भगवान जी आते हैं तो उनके लिए भी हम कलश स्थापना रखते हैं, ये समृद्धि का प्रतीत होता है। तो उसी प्रकार माता का कलश स्थापना, तो जब हम बड़ा पर्व मनाते हैं तो उसमें बड़ा कलश रखते हैं, जैसे मिट्टी या पीतल का जो बर्तन आता है उसमें और पानी वगैरह भर के उसमें चावल या श्रीफल रख के जैसा भी बड़ा कलश रखते हैं उसका। ऐसे हम शादियों में बड़ा कलश रखते हैं आंगन में, जब हर्ष वास गढ़ता है तो आप जानते हैं कि उसमें बड़ा ही कलश रखाता है, बुआ बहन उसको अच्छे से गाय के गोबर से सजाती है। तो उसी प्रकार से आपको बड़ा कलश रखना है माता के सन्मुख। और रात्रि जब आप पूजा शुरू करेंगे तो उस समय रात्रि में अखंड ज्योति जलाना है, उस ज्योति का पूरी तरह से देखभाल करना है कि हवा वगैरह न चल के वो ज्योति बुझे न, मतलब पूरी रात्रि ज्योति जलेगा। और जैसे आप लंगर या भोजन करा सकते हैं ज़्यादा जन को तो ठीक है, अगर नहीं करा सकते हैं तो जैसे मैं बताई कि पूरी रात्रि आपका उत्सव चलेगा, नाच गाना माता का यश गान।
सुबह से आपको कन्या भोजन भी कराना उतना ही अनिवार्य है जैसे हम नवरात्रि में कराते हैं। तो नौ कन्या और दो बालक, जिनको हम एक बजरंग बली बोलते हैं और एक भैरव जी बोलते हैं, दो बालक लंगूर बोलते हैं उनको, उनको भी कन्याओं के आसपास में बैठा के भोजन कराना चाहिए। जैसे हम कन्याओं का पूजन करते हैं वैसे दो बालकों का भी पूजन करते हैं, नौ कन्या और दो बालक 11 हो जाते हैं। इनको आसन रख के उसी विधिवत जैसे हम नवरात्रि में बताए हैं पूजन, वैसे ही पूजन करते हैं। तो पूजन करके हम हलवा और जो चना भिगो के उबाल के बनाते हैं, इसको दोना में करके हमको खिला सकते हैं। इनको श्रृंगार की सामग्री और कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं। और जैसे मैं आपको बताई, जैसे जो माताएं बहनें आएंगी उनको मीठा पान और सब देते हैं। तो जैसे आपको भोजन का आप कार्यक्रम अगर करते हैं तो जो आपके इसमें जागरण में सम्मिलित रहते हैं हम उनको बोलते हैं कि पूजा संपन्न हुआ। और जो इसका मतलब जो कराते हैं, जो इसका पूजा का मालिक होता है, जैसे मान लो सुबह हो गई तो उनको माता है भाई है उनको स्नान करके और स्वच्छ लाल या पीला वस्त्र पहन के माता का विधिवत आरती करना चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए। और जितने लोग जागरण में सम्मिलित हैं अगर आप भोजन कराते हैं तो उनको निमंत्रित कर दिए कि भैया आप इस समय भोजन करने के लिए, दोपहर में आप अपने यहाँ भोजन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ भोजन करेंगे, व्यवस्था है। अगर भोजन की व्यवस्था नहीं है तो प्रसाद देकर आप उनको प्रणाम कर लीजिए कि हमारा जागरण पूरा हुआ। और एक विधि ये भी है कि आप जैसे कि मनोकामना माने हैं या आगे मैं आपको बता रही हूँ मानेंगे, तो कार्ड बंटवाइए आप, जैसे कि 151 या 51 या 31 या 21 ऐसे कुछ भी, तो आप उसमें ये व्यक्त करिए, उस कार्ड में लिखवाइए कि माता जी का मैं जगराता करा रही हूँ या करा रहा हूँ, तो हमारी ये मंगल कामना थी, मनोकामना जो कि पूर्ण हो गई है, माता ने हमारी इस कामना को पूर्ण कर रही हैं, तो मैं जगराता करा रही हूँ, तो आप सादर आमंत्रित हैं। इससे क्या होता है, धर्म का एक प्रचार भी हो जाता है, लोगों में आस्था भी बढ़ती है और आपका जो माता के प्रति जो स्नेह और श्रद्धा था ये व्यक्त होती है कि हाँ ये व्यक्ति माता से जुड़ा हुआ है और बहुत ही धार्मिक और बहुत ही माता के प्रति इनको श्रद्धा है मन में। तो आप एक कार्ड भी बंटवा सकते हैं और बंटवाना ही चाहिए। तो जब ये माता जी का आप आरती करें तो आरती 3 या 5 बत्ती से करें, जैसा आरती को मैं बताई हूँ नवरात्रि कलश स्थापना में, आप उसको देखिए। तो उसके बाद आप आरती करने के बाद आरती करते करते आरती बुझनी या हिलनी नहीं चाहिए, यानी हिल के बुझनी नहीं चाहिए, विशेष ध्यान दीजिए। आरती करने के बाद आप जैसे कि जितने माता का जैसे अभी नवरात्रि में करेंगे उसके लिए बता रही हूँ, तीसरे दिन या चौथे या पांचवें जो भी दिन रहे उतना कपूर आप थाली में रख लीजिए। जब आरती कर लें तो उस आरती को अलग कर दीजिए, फिर कपूर को थाली में रख लीजिए। जो सात दिन जैसे तीसरा दिन है तो 3, चौथा दिन है तो 4, तो जैसा मैं आपको बता रही हूँ जो करा रहे हैं उनका वहाँ बैठना या वहाँ उपस्थित रहना अनिवार्य रहता है। तो जैसे मैं आपको बताई, जब आप आरती करोगे तो जैसे कि जो भाई विवाहित है वो अपनी पत्नी को साथ में लेकर आरती करेंगे, अकेले नहीं करेंगे, और जो विवाहित नहीं हो अकेले भी कर सकते हैं। तो जो माताएं मान लो कि सयानी हैं वो भी मतलब पति पत्नी दोनों साथ आरती करेंगे, ये नियम है। तो जो गठबंधन होता है वो गठबंधन भी अनिवार्य है। जब भी पति पत्नी कोई भी पूजा करते हैं तो मैं आपको जानकारी देती हूँ, उसमें गठबंधन अति अनिवार्य है। गठबंधन घर की माताएं बहनें कोई भी कर सकती हैं। तो आपको मैं इसी में गठबंधन का विधि भी बता दे रही हूँ। गठबंधन करते समय कुछ चीजें उसमें डालते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जैसे हम कलश में डालते हैं उसी तरह से हम गठबंधन में कुछ चीजें डालते हैं, जैसे कि अक्षत, पुष्प, दुर्वा और कुछ धन और हल्दी और सुपारी। तो ये चीजें हैं जो कि आप गठबंधन में डाल देते हैं। पत्नी रहेंगी आपकी, उनके आंचल में पहले उसको बांध देते हैं, फिर आपके गमछा या रुमाल जो लिए रहते हैं हम उसको बांध देते हैं। तो आप पति पत्नी जो करा रहे हैं दोनों मिल के ही आरती करिए, प्रदक्षिणा वगैरह दोनों जने मिल के करिए, तो पूजा को संपूर्ण माना जाता है। अगर विवाह नहीं हुआ है जिनका करा रहे हैं उनका कोई बात नहीं, वो अकेले कर सकते हैं। तो मैं आपको दुर्गा जी के जागरण के बारे में बता रही हूँ, तो ये भक्तजन के लिए अति ही शुभ और बहुत ही फलदायी है। जैसे हम तमाम छोटी छोटी चीज़ों को करके बहुत ही पुण्य कमा लेते हैं, तो मैं आपको विशेष जानकारी देने के लिए ये बताने के लिए ही उपस्थित हूँ। तो आप जैसे कि पहले सब भाई बहन जानते हैं जागरण का महत्व,
माता का जगराता जैसे हम गाने में भी सुनते हैं, तो हर पंडालों में जगराता होता है। जैसे कि हम उसका रंगोली का आयोजन करते हैं, मेहंदी का आयोजन करते हैं, उसमें बालिकाएं उसमें भाग लेती हैं, ये सब भी करती रहती हैं उस समय, तो जगराता आराम से हो जाता है। उसमें प्रतियोगिता का हम घोषणा करते हैं, कौन सी कन्या किस नंबर में मतलब उनको इनाम मिल रहा है, ये सब भी करते हैं। आप अपने भी घर में करा सकते हैं, पंडाल है तो उसमें करा सकते हैं। तो जो भाई बहन आप इसको नहीं जानते थे उनके लिए तो विशेष ही लाभ हुआ, जो जानते हैं उनके लिए भी, कि हम अगर कोई भी मनोकामना हो तो उसको आप मान लीजिए माता से। समय सीमा का विशेष ध्यान दीजिए, निर्धारण मत करिए। तमाम परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि कोई व्यवधान, माता तो इतनी शक्तिशाली हैं कि उनके कार्य में कोई व्यवधान डाल ही नहीं सकता, फिर भी आज भी वो सब व्यवधान डालने वाले उपस्थित रहते ही रहते हैं। तो माता के कार्य में व्यवधान नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी परीक्षा होती रहेगी। आप मानोगे कि हमको माँ ये मनोकामना पूरी हो जाएगी तो अगली नवरात्रि में जरूर कराऊंगी, ये आपका संकल्प हो गया, आपका पूरा भी हो जाएगा। लेकिन क्या है कि हम उतने अब शक्तिशाली नहीं रहे कि हम परीक्षाओं में खड़े उतरें, और ऐसा कहना भी गलत है कि हम शक्तिशाली नहीं हैं। तमाम माताएं बहनें अति शक्तिशाली हैं, पर मान लीजिए कि हम कहीं उस समय चले गए, कोई किसी का शादी ब्याह कुछ भी पड़ा, तो हमारी यही विनती है आपसे कि आप समय सीमा का निर्धारण न करिए। आप ये मान लीजिए कि माता मैं आपको जगराता कराऊंगी या कराऊंगा, तो आपकी आप देखेंगे कि अगले जो नवरात्रि आने वाली है, जो समय आने वाले हैं, आपको उसमें व्रत तो रहना नहीं है, सिर्फ अलग से कराएंगे तो कलश स्थापना वगैरह वो सारी विधि वही करेंगे जो कि देवी भागवत कराते हैं। तो अंत में जो हम उनका पूर्ण आहुति देते हैं तो कन्याओं को भोजन, और बहुत सारी कन्याओं को जितनी कन्याएं मिल सकें उनका हम उतना चरण स्पर्श करके उनको लाल चुंदरी उड़ा के उनको दक्षिणा लेकर साक्षात देवी होती है कन्याएं। उसी प्रकार से जगराता में भी हम करते हैं और लोगों को भी भोजन कराते हैं, पर कन्याओं का उसमें विशेष ध्यान दिया जाता है और लंगूर भी रहते हैं। तो मैं आपको एक पंथ दो काज का बता रही हूँ कि आज तीसरा ही दिन है, आप किसी दिन में भी जगराता करा सकते हैं, और इस पुण्य फल का जो महा पुण्य फल है आप इसको अर्जित कर सकते हैं। जो माताएं बहनें या जो कुंवारी कन्याएं हैं अपने विवाह के लिए भी मंगल कामना मांग सकती हैं, हमारा विवाह शुभ जगह अच्छे व्यक्ति से हो जाएगा तो हम माता का जगराता शुभ समय में जरूर कराएंगे। और इसी प्रकार से माता का जगराता में और तमाम सावधानियाँ हैं जो कि रखनी चाहिए। जैसे कि आप जो भोजन तैयार करेंगे उसमें बताई हूँ हलवा और चना रहेगा, उसमें पूड़ी भी बनवा सकते हैं, खीर भी बनवा सकते हैं, तमाम मिष्ठान भी मिला सकते हैं। लेकिन सबसे इजी यानी आसान, सबसे आसान यही है हलवा और चना। तो आप इसी में जैसे नवरात्रि में आप देवी बैठाए हैं तो आप ज़्यादा आयोजन नहीं कर सकते, तो 2, 4, 6, 10 जन को इकट्ठा करके आप रात्रि जागरण करके और उसी समय यानी उसी सुबह आप कन्याओं को भोजन करा के ये पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। माता के आरती, कलश स्थापना, इन सारे विधियों को मैं बताई हूँ, तो ये हवन के पहले भी आप कर सकते हैं, और जब आप माता के जगराता कराते हैं उस समय भी हवन वगैरह कर सकते हैं। तो मैं आपको माता के जगराता के बारे में बताई हूँ। अगली जो नवरात्रि आएगी चैत नवरात्रि, तो उसमें भी इसी प्रकार से मैं आपको जानकारियाँ देती रहूँगी। आप इसको करके देखिए, आप अपना अनुभव हमसे ज़रूर साझा करिए। तब तक के लिए नमस्कार।